हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का प्रोडक्ट है ये है पॉन्ड्स विटामिन मैसेलर वाटर ब्राइटनिंग रोज़। ये एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है और बहुत ही अफोर्डेबल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये प्रोडक्ट सिर्फ 125 रुपये में आता है और ये 105 ml का बॉटल है। शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स और इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नीट एंड क्लीन, इजी टू यूज़ एंड इजी टू कैरी। ये प्रोडक्ट और भी 2 वेरिएंट्स में आता है। ओके, तो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। 99% आई मेकअप रिमूव कर देगा, वाटरप्रूफ मेकअप रिमूव करेगा, 100% अल्कोहल फ्री है, 5 times ब्राइटनिंग पावर है इसमें, और ये नॉन ऑयली एंड नॉन स्टिकी प्रोडक्ट है। ये मेकअप रिमूवर 5 essential vitamins का कॉकटेल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B3, B5, सी एंड ई है, और इसमें ऑर्गेनिक फ्रेश रोजेस के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। ये मेकअप रिमूवर सिर्फ मेकअप को रिमूव करने के अलावा डर्ट, इम्प्योरिटीज और सनस्क्रीन को भी रिमूव करने के लिए डिजाइंड है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जो हैवी ड्यूटी सनस्क्रीन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हैवी ड्यूटी क्लेंजर्स ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो कम्प्लीटली क्लीन नहीं हो पाएगा। और भी एक जो अच्छी बात मुझे इस प्रोडक्ट में दिखा कि इसके इन्ग्रीडियंट लिस्ट में पैराबेन नहीं है। तो ये प्रोडक्ट ऐसे वाटर लाइक कंसिस्टेंसी में आता है, बॉटल शेक करने से बबल क्रिएट हो जाता है, बट दैट्स ओके, सोपी टेक्सचर नहीं है इसका, और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो चलिए इसका डेमो देख लेते हैं। तो मैंने ये भाई दूज का मेकअप किया था और वाटरप्रूफ काजल एंड लिपस्टिक भी पहना था। केव ब्यूटी का स्मोकी काजल और निक्स लिप लॉन्जरी लिक्विड लिपस्टिक। आप इस मेकअप लुक के वीडियो में प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। मस्कारा और बाकी मेकअप वॉशेबल थे। वॉशेबल मेकअप को तो नाइसली क्लीन कर दिया, लेकिन वाटरप्रूफ मेकअप को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और देखिए सिर्फ 1 दिन में ही कितना प्रोडक्ट यूज़ हो गया। फिर भी वाटरप्रूफ काजल एंड लिपस्टिक कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे यूज़ करने के बाद मेरी स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट और हाइड्रेटेड लग रही थी, कोई इरिटेशन नहीं हुआ आंखों पे भी। ये सच में नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सुपर लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ नहीं कर रहे हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डेली यूज़ करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है और वॉशेबल मेकअप रिमूव करने के लिए उतना ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, तो अफोर्डेबल ही हुआ। लेकिन वाटरप्रूफ मेकअप रिमूव करने के लिए जो बाईफेस्ट ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर आते हैं वही बेटर है, ये प्रोडक्ट उतना भी एफिशिएंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।